तो गाइस आज हम गए ज़ाफी स्टेडियम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फर्स्ट T20 मैच देखने के लिए। तो गाइस यहाँ पर हमें आते ही सबसे पहले शुरू में एक फेस पेंटिंग वाले भाई मिल गए, तो हमने सोचा क्यों ना हम इनसे फेस पेंटिंग करवा लें। यार पहली बार मैच देखे जा रहे हैं, पूरी फील आनी चाहिए ना यार मैच वाली। सबसे पहले अब्दुलरहमान ने कराई, उसके बाद फिर मैंने करवा ली, और फिर अहमद ने करवाई, और फिर गाइस मैंने करवा ली फेस पेंटिंग। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। स्टेडियम से बाहर जो है यहाँ पर इन्होंने एक ये राउंड अबाउट बनाया हुआ है, ये सारा ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अब हम आगे जाके दिखाते हैं, ये देखें गाइस, ये सुपरमैन, और ये गाइस देखें अब्दुलरहमान। और हम जा रहे हैं अंदर मैच देखने, तो लेट्स सी कब तक स्टार्ट होता है। और ये देखें गाइस आगे तक सारा स्टेडियम है, तो चलते हैं। ये आज अब्दुलरहमान जो है ना स्पेशली फ्लैग भी लाया है, और एक्साइटेड हो ना? बहुत ज्यादा, पहली बार जाओ तो एक्साइटेड हो गई ना। ये तो मेरा कितना, क्या हाल है जी आपका? ठीक हो? आप कैसे? बहुत फर्स्ट क्लास में बड़ा लगा कि बड़ा बहुत ही फाइन है। इधर आओ यार, इधर आके क्लोज से देखो, घूमना और पाज के जाए। हां जी, मैच देखने के एक्साइटेड है। मैच मेरी बात सुनो, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच है, ये बच्चे टाई देखने आए हैं और मां-बाप साथ आए हैं, और सबकी अच्छी होनी चाहिए। ये पहली दफा आए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं? दूसरी दफा आए हैं। मेरे पास ऊपर से ईद आ रही है, नाले ईद को नाले झगड़ने के, तो बच्चों का तो खर्चा चलेगा तुम्हारा, और मां-बाप क्या था वो ये परेशान, और मां-बाप ने इसी तरह खुशियां मनाते रहना बाल बच्चे, और इसी तरह चलता रहे काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। और गाइस फाइनली हम एंटर हो गए यार स्टेडियम में, जबरदस्त यार, बहुत कूल, लिटरली बहुत कूल लग रहा है यार। आपको दिखाते हैं आगे, ये गाइस न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के प्लेयर्स, ये देख सकते हैं गाइस इस तरह आने के लिए जो खड़े हो चुके हैं, पाकिस्तान के हैं, उधर बीच में प्लेयर्स हैं और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स हैं। तो अब हम यहाँ पर आते हैं, हम अपनी यहाँ पर सीट ढूंढते हैं, कौन सी सीट है। अहमद अब्दुलरहमान भाई के पास जाओ, इधर अब्दुलरहमान, हमने आपको पहली बॉल दिखाई, पहली बॉल पर कोई स्कोर नहीं, बाबर आजम ने शॉट मारने की कोशिश की, और आप देख सकते हैं ये यहाँ पे चल रहा है, हेनरी के फर्स्ट बॉलर थे। यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा ये इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियों पे क्या है, ये कैमरा, और गाइस दिस इज द कैमरामैन, ये गाइस ये भाई ऊपर कैमरामैन वाले ऊपर बैठ के सही जो है ना यहाँ से वीडियो बना रहे हैं, ताकि आपको एक सही व्यू मिल सके गाइस। और वो गाइस वो कैमरा, वो जो ऊपर से शॉट आपको दिखाते हैं गाइस, ये वो कैमरा, ब्यूटीफुल गाइस, लिटरली ब्यूटीफुल। यहाँ पर सुपरमैन भी आया हुआ पाकिस्तान को सपोर्ट करने, सुपरमैन अपना झंडा तो पकड़ लो। ये गाइस यहाँ पर स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं, जिन मतलब ऐसे नहीं नजर आता, और ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा वैसे, लेकिन हम स्क्रीन पे भी देखेंगे और वैसे भी देखेंगे गाइस, और बहुत मजा आने वाला है। अभी इस वक्त चलें देखते हैं क्या होता है, कोई चौका छक्का पड़ता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। मैं स्टेडियम में आया हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार आया हूं, वैसे मुझे मैच पसंद तो नहीं, मेरे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे यहां से देख रहा हूं, वहां से मुझे दिख रहा है, लेकिन वो वहां से भी दूर है, फिर मुझे नजर आ पता नहीं क्यों। चलो LBW आउट के लिए चेक कर रहे हैं अभी, ये अल्ट्रा एच भी चेक किया, अभी चेक करेंगे कहीं आउट तो नहीं हो गए, और मेरा ख्याल है गाइस नॉट आउट होना चाहिए। नाउ लेट्स सी अब क्या होता है, एम्पायर, ओ गाइस ये आउट हो गया है, बड़ा अफसोस के साथ, और मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए था। कैसे लोग हैं आउट होने पे कौन खुशी मनाता है गाइस, ये नहीं है सही मुहिबे वतन यार, ऐसे कौन करता है आउट होने पे कौन खुशी मनाता है यार। नेक्स्ट प्लेयर जो है वो आए हैं हमारे पास, फखर जमान सबसे पहले आउट हुए थे यहाँ पे, मोहम्मद रिजवान अब जो है फखर जमान खेलने आया, और न्यूजीलैंड की टीम यहाँ हमारे सामने जो है बॉलिंग करवा रही। अभी
गाइस फखर जमान ऑन फायर, मतलब एक के बाद एक चौका मारी जा रहे हैं, पहले एक फिर उसके बाद लगातार नेक्स्ट अब तीसरा भी हो जाए लग रहे। यहाँ पे अब्दुलरहमान फुल टाइम एंजॉय कर रहा है, एक झंडा पीछे एक हाथ में और बाकी जा रहा है बस हर तरफ, बस बस आराम से अब्दुलरहमान आराम से। और गाइस मैच ऐसे सामने चल रहा है लेकिन हमें पता नहीं है क्या हुआ, जब लोग शोर मचाते हैं फिर हम पूछते हैं क्या हुआ, फिर पता लगता है अच्छा चौका हुआ है। मतलब मैं पापा से पूछूं, ओ गाइस कितना गंदा बोल्ड है, चलो गाइस अच्छा वो कोई तो मोमेंट कैच हुआ। अब पाकिस्तान ने 30 स्कोर कर लिया और दो प्लेयर्स आउट हो चुके हैं, ये नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि शायद बाबर आजम है। और गाइस ये किस तरह से विकेट हुई है, क्लीन बोल्ड गाइस। जब पाकिस्तान ने खेलना शुरू किया लिटरली प्लेयर जो है ना साई मयूब, इसने आते मतलब बहुत स्कोर जो है ना वो करना शुरू कर दिया साई मयूब के साथ। यहाँ पर जो फखर जमान है ये हमें कोई नई पार्टनरशिप इंशाल्लाह आज देखने को मिले। जैसे ये देखें आज गज़ाफ़ी स्टेडियम में कितने सारे लोग हैं, ये यहाँ पे सारा यहाँ से भरा हुआ है ये सारा, और उसके बाद ये इधर, और फिर हम गाइस इधर बैठे हुए हैं। और अभी गाइस यहाँ पे साई मयूब और फखर जमान की 50 की पार्टनरशिप है, और क्या कमाल का भी छक्का मारा गाइस साई मयूब ने यहाँ पे। अभी गाइस यहाँ पे जो है वो चल रहा है 11वां ओवर और पाकिस्तान ने स्कोर कर लिया 107, और अगर ओवर्स के हिसाब से देखा जाए तो ओके ठीक है बहुत नॉर्मल स्कोर है, अगर चलते रहे तो मेरा ख्याल है 150-170 हो जाना चाहिए, 150-170 लाजमी हो जाना चाहिए। और अभी हम मैच देख रहे हैं, साई मयूब ने ठीक जो है ना छक्कों की बारिश की है, चाहे आपको घर पर नहीं लग रहा होगा लेकिन ग्राउंड में देखने का मैच अलग ही मज़ा है, वो अलग बात है कि इतनी दूर से पता लग रहा है लेकिन वैसे बहुत मज़ा आता है लिटरली। और अभी साई मयूब और फखर जमान बहुत अच्छी पार्टनरशिप जा रही है इनकी, और अब देखते हैं अब क्या होता है, कुछ छक्का लग गया मैं दिखाता हूँ। यार एक बॉल हमारी तरफ ले बस इस चीज़ का धोखा, सारी बॉल इधर उधर चलेगी, कोई हमारी तरफ आए ना बॉल फिर कैमरा भी इधर है फिर मज़ा आएगा ना गाइस। गाइज यहाँ पे जो है वो रन आउट के लिए जो है वो चेक किया जा रहा है, अभी प्लेयर रन आउट और आउट हो गया गाइज, ये प्लेयर आउट हो गया और अब लोग इनको तालियों में रुक। यहाँ पे बहुत सारे इंक्लोयर हैं, एक नज़र इंक्लोयर, कायदे आज़म इंक्लोयर, हम बैठे हैं गाइज इन इमामुल हक इंक्लोयर में, और एक स्क्रीन हमारे ऊपर भी लगी है, हमें पता है हम उस स्क्रीन से देख रहे थे। नेक्स्ट प्लेयर जो आने लगे हैं पाकिस्तान के बहुत अच्छे ऑलराउंडर, यानी शादाब खान की बात करो गाइज, बहुत अच्छी स्पिनिंग स्पिन बॉल भी करते हैं और बहुत अच्छी बैटिंग भी करते हैं। शादाब खान ने आते साथ ही पहली बॉल पे जो है एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो चौका मारा है, और यही बात इसलिए मैं इनको ऑलराउंडर कह रहा था, और इनसे ऐसी उम्मीदें थी गाइस, बहुत अच्छा बहुत कूल लिटरली। ये व्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इधर हो रहा है और पता भी नहीं लग रहा इधर तो। गाइस मैं ऐसे शताब खान की तारीफ कर रहा था, वो पता नहीं क्या शताब खान को नज़र लग गई, लगता है ऐसे आउट ही हो गया बेचारा। गाइज इफ्तिखार अहमद की फ़ैन फॉलोइंग चेक करो यार, कितने फैंस हैं, लेकिन इफ्तिखार कोई नहीं कहता, सारे चाचू ही कहते हैं। ये देखिए ये कोई बैठने का नया स्टाइल है, ये सारे स्लाइड बना के बैठे हुए हैं, ये पीछे ये देखें ये इशू जा रही है स्लाइड गाइज। और गाइज ये क्या मतलब इफ्तिखार अहमद यार आउट ना हो जाए ऐसे, क्या एक पर एक आउट हो गए तो अच्छा लगेगा भला, तो अब देखते हैं शायद क्या हुआ। DRS टाइमर तो है, अब देख गाइस बेचारे लोगों ने इतने जोश वलवले से सपोर्ट किया इफ्तिखार अहमद को, चाचू चाचू की आवाज़ें लगाई, लेकिन ये क्या गाइस हम ये क्या देखना पड़ रहा है। गाइस लिटरली ये बॉल यहाँ पर मेरी आंखों के सामने कैच, ये भी हमारे सामने से कैच हो गया यार, ये मतलब पाकिस्तान चाहता क्या है गाइस, 131 पे 6 आउट हो गए हैं।
गाइस दोनों में सब जा रहे, कोई एक भी 50 नहीं कर पाया और इमाद नसीम तो भाई आते ही आउट हो गया यार। ये क्या क्या चल क्या रहा है अभी गाइस? फखर जमान आउट हो के गए और एक और ये DRS टाइमर चल रहा है। मतलब क्या ये आज प्लानिंग करके आए हैं आउट होने की? मतलब एक के ऊपर एक आउट हो जा रहा है, ऐसे क्या मैच का मतलब मजा है? कम अज़ कम यार 150 स्कोर करें, कुछ करें, ये अजीब ही पता नहीं क्या चाहते हैं ये। पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी है, पाकिस्तान ने 183 स्कोर किया, लेकिन एंड में क्या छक्के चौके लगाए हैं। ये हमारे जो है ऑपरेट से ज़्यादा तो डाउन प्लेयर्स अच्छे खेल जाते हैं, कम से कम छक्के चौके तो मारते हैं। हरीश रोक ने इतना अच्छा पहले चौका लगाया, उसके बाद आ गया छक्का, वही मशरूफ ने छक्का इतना अच्छा खेला भाई कह नहीं सकता। और इंशाल्लाह ये वाला मैच पाकिस्तान जरूर जीतेगा। 183 कर लिया, मुझे लग रहा था 130 या 150 में भी नहीं जाना, लेकिन यार 183 बहुत क्लास का स्कोर है। आखिरी ओवर के अंदर जो खेले हैं ना वो बहुत अच्छा है।